हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं और उसे बात करती हूँ और उससे कहती हूँ, यार मैंने तो बड़ा पंगा ले लिया कसम से, चल अच्छा कल मिलते हैं। तो आरु कहती है, अच्छा एक मिनट सुन तो सही। तो मैं कहती हूँ, हाँ बोल। कहती है कि अरे वो एक्चुअली कल पापा भी आएंगे ना गृह प्रवेश में, तो अपने मम्मी पापा को भी लेके आई हो। मैं कहती हूँ, पापा भी आएंगे, मैं अपने मम्मी पापा को भी लेके आऊँ? तो पागल हो गई है, वहाँ कोई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, फिर हम लोग कैसे इंजॉय करेंगे फिर? तो कहती है, अरे यार पापा मम्मी आएंगे, गृह प्रवेश बड़ों के बिना तो होता नहीं, पूजा पाठ में बड़े तो कोई होना चाहिए ना, और मेरी मम्मी तो है नहीं, पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे कैसे है वो तुम्हारी मम्मी बताएंगी ना। मुझे पता है मुझे पसंद नहीं करती हैं, बट इतना तो कर ही सकती हैं ना, आ तो सकती हैं। तो मैं कहती हूँ, अरे यार बात पसंद ना पसंद की नहीं है, बात हमारी है कि हम लोग क्या करेंगे फिर वहाँ पे बड़ों के बीच में। तो आरु कहती है, अरे वो थोड़ी देर में वो लोग चले जाएंगे, हम लोग बोल देंगे कि अभी हम लोग बाद में आएंगे। तो मैं कहती हूँ, तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा क्यों, निधि के मम्मी पापा को भी बुलाओ। तो कहती है कि निधि की मम्मी तो अपने गांव चली गई हैं और सारा और भाभी का पता ही है, उनकी फैमिली यहाँ रहती नहीं है। मानवी की फैमिली को मैं बुला नहीं सकती हूँ, तो बच्चा कौन, तेरी फैमिली, मेरे पापा बस, तो सबको लेके आना। तो मैं कहती हूँ, तो अंकल के फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे? तो कहती हाँ एक दो खास लोग तो आएंगे। तो मैं कहती हूँ, तूने अंकल को बता दिया तूने घर लिया है नया? तो कहती है हाँ बता दिया, इसमें क्या है, पापा से क्या छुपाना, पापा कोई मुझे मना थोड़ी ना कर देते घर लेने से, इसलिए पापा से नहीं छुपाते कोई बात। तो वो कहती है, हम मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, बट यार मम्मी पापा को लाना ज़रूरी है। तो कहती है, यार थोड़ी देर की बात है, वो लोग आएंगे पूजा पाठ करेंगे खाना पीना खा के चले जाएंगे, फिर तो हम लोग हैं ना इंजॉय करेंगे। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, बट मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा, रहने देते हैं ना। तो कहते हैं बोला ना लेके आइयो बस। मैं कहती हूँ ठीक है बाबा, ओके ठीक है मैं ले आऊँगी बस। तो कहती है ठीक है चलो सो जा, सुबह मिलते हैं। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है सुबह मिलते हैं, कल का पूरा दिन तुम्हारा ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ेगी। तो कहती है नहीं, ऑफिस जाके और सुबह सुबह फिर चली आई हो। तो मैं कहती क्या है, कहती बकवास की बात है, कर ली एक दिन की छुट्टी कर लेगी तो कुछ हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है ना कर लूँगी बस। तो ये कह के फिर हम लोग फ़ोन रख देते हैं और दोबारा से वही सब सोचने लगते हैं कि यार क्या होगा कल, मैंने क्या ये फालतूगिरी कर दी है, क्यों बुलाया है मैंने, पागल हूँ क्या मैं, क्यों बुलाया है मैंने, दिमाग ख़राब है क्या मेरा। इधर आरू सोचती है, कल तो मैं सब बता दूँगी, चाहे जो सब कुछ बता के छोड़ूँगी, जो कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था उसमें मैंने ये मॉम डैड का ऐड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया। तो ये सब सोचते सोचते हम दोनों की आंखें कब लग जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तो आराम से उठती हूँ अपनी नींद पूरी करके, खैर नींद तो मेरी कभी पूरी होती नहीं है, बट मम्मी आती हैं उठाती हैं, कहती हैं जाना नहीं है तुम्हें आज ऑफिस? तो मैं कहती हूँ अरे मम्मी ऑफिस तो नहीं जाना, भूल गई आपको बताना। तो कहते हैं क्या नहीं बताया? तो मैं कहती हूँ आप रेडी हो जाओ, पापा ऑफिस तो नहीं गए? तो कहते हैं नहीं आज पापा का लीव है। मैं कहती हूँ ओके, तो एक काम करो आप और पापा रेडी हो जाओ। तो कहते हैं क्यों? कहती हूँ आरू ने न्यू फ्लैट लिया है तो उसका गृह प्रवेश है, वहाँ चलना है। कहती हैं आरू ने कब फ्लैट ले लिया और इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? कहती हैं मम्मी वो अपना बिजनेस करती है ना, पता है ना आपको, तो क्या है ये फालतू बात, उसने लिया है तो उसका गृह प्रवेश है। तो कहती हैं मैं तो नहीं जाऊँगी उसके यहाँ। तो मैं कहती हूँ मम्मी ऐसे मत करो, आपको पता है उसके मॉम नहीं है और पूजा पाठ का उसे इतना कुछ पता नहीं है, तो आप चलोगे तो उसे थोड़ा सा सहारा लग जाएगा ना, चलो। तो मम्मी कहती हैं अच्छा ठीक है, इतना इमोशनल मत करो मुझे, चल रही हूँ मैं, मुझे पता है मुझे वो वैसे पसंद नहीं है, बट बच्ची तो है ही ना,
तो नफरत थोड़ी ना है मुझे उससे, बस गुस्सा आता है उसे देख के, लड़कियों की तरह रहती नहीं है। मैं कहती हूँ मम्मी वो उसका लुकआउट है, आप क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो, उसे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, इट्स हर चॉइस। तो कहते हाँ हाँ ठीक है, उपदेश मत दो मुझे। मैं कहती हूँ मैं आपको उपदेश क्या दूँगी मोम, आप भी ना। अच्छा आप ये बताओ क्या पहन रहे हो आप? कहती हैं मैं सोच रही हूँ आज बिकनी पहन लूँ। मैं कहती हूँ क्या मम्मी, पापा के साथ हनीमून पे थोड़ी ना जा रही हो जो बिकनी पहनोगी, हाँ घर में ही रहना हो, पूजा में चलना है ना, साड़ी पहन लो चुपचाप जाके बिकनी पहनोगी। तो कहते हैं पूछा तो तुमने ऐसे ही था। तो कहती हूँ तो मैंने पूछा ऐसे ही था तो आप अच्छे से जवाब दे देती। कहती क्यों दे देती? मैं कहती हूँ हाँ ये भी बात सही। मैंने कहा वैसे मैं पढ़ी आप पे ही हूँ। कहते क्या मतलब? मैं कहा ऐसी बदतमीजियाँ मैं करती हूँ। कहते अच्छा मतलब मैं बदतमीज़ हूँ, मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ, वाह तमीज़ नहीं रह गई बात करने में। मम्मी अब आप अपने हिसाब से बात को ले रही हो, ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? मैं नहीं मम्मी मैंने ऐसा कब कहा। मैं कहा अच्छा लेट हो रहे हैं, जाओ ना रेडी हो जाओ ना प्लीज़ ना मम्मी, सच में लेट हो जाएंगे नहीं तो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ रेडी होने। बस मैं कहती हूँ हाँ बस और क्या नहीं बस। तो कहते हैं ठीक है। मैं कहा पापा को भी कर लेना। फिर वो लोग रेडी होने लगते हैं और इधर मानवी और मान्या भी रेडी हो जाते हैं, इधर जारा वगैरह भी, निधि और मायशा भी, सब लोग रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं उसके फ्लैट के लिए। मैं आरू को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ कि एड्रेस तो दे दे, कहाँ जाना है, यहाँ गलियों में घूमती फिरूँ क्या? कहती तेरे पास एड्रेस नहीं है? मैं कहती हूँ दिया था तूने? कहती सच में तेरे पास एड्रेस नहीं है? मैंने कहा दिया था क्या, फालतू बात मत करे यार, दे देना है तू और नहीं तो मैं कैंसिल करूँ। तो कहती है कि एड्रेस तुझे सेंड कर दिया, तो फिर मैं वहाँ से कैब बुक करती हूँ और कैब में हम सब बैठ जाते हैं और उसके घर के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद धीरे धीरे सब वहाँ पहुँचते हैं और आरू भी वहाँ आ चुकी होती है, तो वो मानवी का वेट कर रही होती है, बार बार मानवी को कॉल कर रही होती है। तो जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो आती है, मम्मी के पैर छूती है, तो मम्मी कहती हैं कि तुमने फ्लैट ले लिया? तो कहती है हाँ आंटी लेना था तो ले लिया। तो कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं आंटी प्लीज़ ना आप पूजा की तैयारी करा दो प्लीज़, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है, पंडित जी भी आने वाले होंगे, पापा को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो फिर अंकल आते हैं और वो पापा मम्मी को राम राम करके पापा के साथ बात करने चले जाते हैं। तो इधर मम्मी जाके पूजा पाठ की तैयारी करने लगती हैं। तो कहती है और बता जिससे तू बात कर रही थी वो कब तक आएगी? मैं कहती हूँ मुझे क्या पता कब तक आएगी, और मैं तो बस दुआ कर रही हूँ क्यों ना ही आए तो ही अच्छा है ना। तो कहती है अबे जा ना ही आए तो ही अच्छा है, मन में लड्डू फूटे, कितने लड्डू फूटे? मैं कहती हूँ एक भी नहीं फूटे। कहती है झूठी। मैं कहती हूँ सच्ची। तो कहते हैं तब तक वहाँ मानवी और मान्या भी आ जाते हैं, तो आरू तो बहुत खुश हो जाती है उसको देख के। मान्या जब आरू को देखते हैं, मानवी जब आरू को देखती है तो उसे देखती रह जाती है। आरू उस दिन बहुत डैशिंग लग रही होती है, तो वो कहती है कि क्या बात है अब तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो कहती है हाँ तो आखिर, कहती है क्या क्या कि आखिर, तो कहती है हाँ आगे। तो कहती है आखिर पार्टनर किसके हो? तो कहती है यही बोलना था कि हाँ यही बोलना था। कहते हद है, सच में हद है। तो कहते इसमें हद क्या है? हद तो कुछ भी नहीं है, सब बेहद है। कहते फिर वो लोग हक कर लेते हैं। मैं कहती हूँ थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, मम्मी पापा यहीं पे हैं ठीक है। तो कहते हाँ, और मान्या मेरे पास आती है, कहती है कैसे हो आप?
मैं नॉर्मली रिप्लाई कर देती हूँ और थोड़ा सा उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ, बिना ये जाने कि जिससे मैंने मिलने के लिए बुलाया है वो कोई और नहीं, हमारी मान्या मैडम है। धीरे धीरे सब लोग आ जाते हैं, ज़ारा और भाभी भी आ जाते हैं। मान्या, ज़ारा, भाभी सब एक साथ बातें करने लगते हैं। इधर पूजा स्टार्ट हो जाती है तो उसके पापा हरू को कहते हैं, बैठो पूजा में, कराओ पूजा। तो कहती, नहीं पापा आप कराओ, मैंने नहीं करानी पूजा, क्योंकि उसे मानवी के साथ पूजा में बैठना होता है, लेकिन वो कह तो सकती नहीं है इस बात को अभी, तो इसलिए वो अपने पापा को बोल देती है कि आप पूजा कराओ, मैं नहीं करा रही पूजा वूजा। तो उसके पापा बैठ के पूजा कराने लगते हैं और सब पूजा सुनते हैं थोड़ी बहुत देर, थोड़ी देर में अपना गपशप करने लगते हैं। तो मान्या मुझसे कहती है कि आपने कुछ खाया? तो मैं कहती हूँ, पूजा में खा के कौन आता है? कहती है, ऐसे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ खा लो यार। मैं कहती हूँ, नहीं नो थैंक्स, मुझे नहीं खाना, पूजा ख़त्म हो जाएगी तो मैं कुछ खा लूँगी। तो कहती है कि फिर भी यार कुछ खा लो। मैं कहती हूँ, नहीं खाना यार मान्या, कुछ खाना होगा तो मैं खा लूँगी, आप टेंशन ना लो इतनी। तो कहती है कि यार टेंशन कैसे ना लूँ मैं, आप बताओ ना। तो फिर मैं कहती हूँ, क्या मतलब कैसे ना लूँ, जैसे नहीं लेते वैसे मत लो, और कैसे नहीं लोगे? तो कहती है कि अच्छा ठीक है, आप हमेशा ज़रा ज़रा सी बात पे इतना गुस्सा क्यों होते रहते हो? यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही हूँ। कहती है, लगता तो आपके बिहेवियर से यही है कि पता नहीं कितने गुस्से में हो, क्या ही कर डालोगे। कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है बस, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? फिर मुझे तभी खांसी आने लगती है जब वहाँ धुआं उठता है, तो मान्या एकदम से जाके पानी लेके आती है। और इधर सब लोग मान्या और मुझे ही देख रहे होते हैं बैठ के चुपचाप कि ये क्या चल रहा है। और मान्या की इतनी ज़्यादा केयरिंग से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। तो मैं मान्या को कहती हूँ, मान्या मत करो यार ये सब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, आपको खांसी आई तो मैंने पानी पिला दिया आपको। मैंने कहा, मैं ले लेती अपने आप। तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती अच्छा पानी पियो आप, मैं ले लेती अपने आप, पता नहीं क्या ही हो जाता है जरा सा कोई कुछ कर दे तो। कहती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं बोलती, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उसे इग्नोर करती हूँ थोड़ा सा। तो भाभी कहती है, क्या हो गया? मैं कहती हूँ, क्यों इतना चेप हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तो कहती है, भगवान सब तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? मैं कहती हूँ कि मैं ले लेती ना पानी अपने आप, आप थे ना यहाँ पे, और भी लोग थे ना, वो दे देते ना, इसको देने की क्या ज़रूरत थी? कहती अब दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बेवजह इतना रिएक्ट कर रही हो। मैं कहा, हाँ आपको तो मेरी हर चीज़ बेवजह ही लगती है, मैं ही बेवजह पैदा हुई हूँ इस दुनिया में। तो कहती हैं, आप फालतू बातें करा लो बस। मैं कहती हूँ, मैं फालतू क्या बातें कर रही हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कहती हैं, हाँ एक तुम ही तो समझदार हो। तभी मान्या आती कहती है कि आप ना उस तरफ विंडो की तरफ बैठ जाओ तो आपकी आंखों में धुआं नहीं लगेगा। तो मैं कहती हूँ, यार मैं ठीक हूँ। तो भाभी मान्या को इशारा करते हैं कि अभी थोड़ा शांत रहो। तो मान्या चुप हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। इधर पूजा पाठ समाप्त होती है तो थोड़ी देर सब लोग बातें करते हैं, मम्मी डैडी सब लोग खाना पीना खाने लगते हैं। तो वो कहती है, आरू कि हम सब भी खा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो मान्या कहती है कि अब तो टाइम हो गया, अब तो खा लो, कब तक नहीं खाओगे, ऐसे तो बीमार हो जाओगे, सुबह का नाश्ता पता है कितना ज़रूरी होता है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे पता है। तो कहती है, तो खा लो आप कुछ। तो मैं उसे कहती हूँ, मान्या इधर आना ज़रा मेरे साथ। तो कहती है, हाँ कहिए। तो मैं उसको लेके जाती हूँ और कहती हूँ कि मत करो। कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? कहती हूँ, ये भी जो भी कर रही हूँ ये मत करो, मुझे पसंद नहीं आ रहा, सीरियसली नहीं आ रहा, मुझे नहीं पसंद है कोई मुझे
इतनी ज़्यादा केयर दिखाई। मैंने ये बात पहले भी तुमसे कहा था, प्लीज़ समझ जाओ मेरी बात को। तो मान्या कुछ नहीं बोलती, वहाँ से हट जाती है। तो मैं जाके ज़ारा वगैरह सबसे बातें करने लगती हूँ, और आरू मानवी एक साइड में बातें कर रहे होते हैं। तो आरू उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो कहती है कि क्या बातें करनी है। मैं कहती हूँ, मैंने कहा ना मुझे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो जितना कहा करूँ उतना सुन लिया करो एक बार। तो कहती है, बट ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हो गया ऐसा। कहती हूँ, हर बात पे क्या हो गया, क्यों हो गया, किस लिए हो गया, ये सब करना ज़रूरी होता है ना तुमको। कोई बात बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले तुम मान ही नहीं सकती हो, तुम तुम्हारे अंदर तो कुछ प्रॉब्लम है ना। तो कहती है, ऐसी बात नहीं है आरू, मैं जस्ट पूछ रही थी। तो कहती है, तो चलो ना प्लीज़ मेरे से बात कर लो, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कहती है, अच्छा ठीक है चलते हैं। तो जाने लगती है, तभी मान्या मेरे लिए खाना लेके आती है। कहती है, खाना खा लीजिए, ये मैंने लगा दिया है। तो मैं कहती हूँ, तुमने क्यों लगाया यार, मैंने कहा था क्या। तो कहती है, अब लगा दिया है तो खा लीजिए। तो मैं प्लेट को साइड में रखती हूँ। तो कहती है, खा लीजिए यार, देखो आपको दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है आपको माइग्रेन का इशू है, और आप टाइमली खाना नहीं खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं बार बार उसे इग्नोर करती हूँ, और मान्या बार बार वही केयर मुझे दिखा रही होती है। तो मुझे एकदम से गुस्सा आता है, और मैं एकदम से मान्या को बाजुओं से पकड़ती हूँ उसके, और सामने एक वॉल होती है वहाँ उसे बिल्कुल दबोच देती हूँ, और ज़ोर से चिल्लाती हूँ उसके ऊपर कि एक बार मैं कोई बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या, तुम्हें मैं बार बार मना किए जा रही हूँ कि मेरे साथ ये सब मत करो, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरी इतनी केयर करे, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है क्या मान्या, क्यों कर रही हो यार ये सब, मुझे नहीं है कोई इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में, एक बार में समझ जाया करो चीज़ों को, और बेवजह ना मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तमाशा करके रख दिया है, किसी चीज़ को मना करते रहो फिर भी अदबदा के वही काम करना है तुमको जो सामने वाला तुम्हें मना करे, हद कर दी है बिल्कुल। अरे थोड़ा तो कभी मैच्योरिटी दिखाया करो, अगर सामने वाला किसी चीज़ को मना कर रहा है तो बाज आ जाया करो, हद कर दी है यार, मत दिखाया करो ये सब केयर वेयर, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। किसी एक का हक था वो कर चुका है, और कोई करता है इरिटेटिंग लगता है, डिस्कस्टिंग लगता है, समझ नहीं आती क्या एक बार में। तो उस पर ऐसे बहुत ज़ोर से चिल्लाती हूँ, तो आरू भाभी सारा मानवी सब मेरे पास आते हैं, मतलब मम्मी वगैरह भी सब देखने लगती हैं, और मान्या की आँखें एकदम भर जाती हैं। मान्या मुझे पीछे की साइड धक्का देती है, और कहती है कि इनफ आई यू इनफ, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुमसे प्यार करने लगी हूँ, इट डजंट मीन कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा जैसे आएगा जब आएगा वो बकोगे, समझ में आया तुम्हें। मैं कहती हूँ, क्यों, मैंने कहा था क्या, नहीं कहा था ना, क्यों तमाशा लगा रखा है, स्टार्टिंग से तुम्हें बोलती आ रही हूँ मुझे नहीं है इंटरेस्ट, नहीं है इंटरेस्ट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मत करो ये सब, मत करो ये सब। लेकिन तुम्हें समझ में आए तब ना, कोई और होता तुम्हारी जगह तो अब तक समझ चुका होता, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। तो मान्या कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आखिर, किसी से सही से बात करने में कुछ घिस जाता है क्या। मैं कहती हूँ, हाँ घिस जाता है, दोस्तों की तरह रहना है तो मोस्ट वेलकम, इससे ज़्यादा कुछ करना है तो गेट आउट, समझ में आया। तो इतनी देर में मम्मी मेरे पास आती हैं, और मुझे घुमाते हैं, और खींच के गाल पे मेरे थप्पड़ लगाती हैं, मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, और कहती हूँ मम्मी, तो मम्मी कहती मेरे साथ चलो ज़रा। कहती हूँ कहाँ, तो कहते हैं कि मेरे साथ चलो, वो मेरा हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से खींच के लेके जाती हैं, और पीछे पीछे भाभी सारा तीनों लोग हाथ जाते हैं। तो मानवी कहती है आरू को आप भी जाओ, तो आरू कहते नहीं आंटी बात करने गई है ना, करने दो।
तो मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं क्या तमीज़ थी है बात करने की, यही सिखाया मैंने तुम्हें इस तरह से बिहेव करना। कहती हूँ मम्मी आप नहीं समझ रहे हो भाई, वजह मेरे आगे पीछे पड़ी हुई है यार। तो कहती फिर भी कोई कुछ भी करे कैसे भी करे तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, ये तो नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। और क्या गलत कर दिया, मैं भी उसे नोट कर रही हूँ जब से आई हूँ, तुम्हारी केयर ही कर रही है ना वो, जानती हो ना तुम उसे। कहते हाँ जानती हूँ। कहते तो जब जानती हो और तुम्हारी केयर कर रही है तुम्हें और क्या कर रही है, इसमें बुराई क्या थी। तो मम्मी मुझे नहीं पसंद है। कहते अच्छा फिर तो हमारा भी नहीं पसंद होगा, भाभी का भी नहीं पसंद होगा अपनी, जैसे तुम भाभी भाभी बोलती रहती हो। भाभी कहते आंटी प्लीज़ शांत हो जाइए। कहते क्या शांत हो जाऊँ यार बेटा, क्या शांत हो जाऊँ, इसको पता है इसने क्या बिहेव किया है अभी। नहीं हम लड़कों को कहते हैं लड़कियों के साथ बदतमीज़ी ना किया करो, लड़कियाँ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करें तब चलेगा। मैं कहती हूँ मम्मी मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, मैं कहती हूँ वो बदतमीज़ी नहीं थी, इतनी ज़ोर से उसका हाथ पकड़ के तुमने दबा रखा था उसको, वो बदतमीज़ी नहीं थी इतनी थी, सबके सामने वहाँ चिल्ला रही हो वो बदतमीज़ी नहीं थी। तुम्हारी इज्जत इज्जत उसकी इज्जत इज्जत नहीं है क्या, और ऐसा तो उसने कुछ किया भी नहीं था कि तुम्हारी इज्जत पर बात पड़ गई हो। हाँ ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं कहा था। तो मैं कहती हूँ कि पता है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे बस गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्यों कर रही हो। कहते तुम क्या बेवकूफ़ हो, उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, और लिसन टू मी उससे तमीज़ से बात करो, उससे दोस्ती करो, उसे एक चांस दो। कहते हैं मम्मी क्या कह रही हो आप, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं मैं कुछ फालतू नहीं सुनना चाहती हूँ, बात करो जाके उससे, सॉरी बोलो और जो भी है उससे क्लियरली बात करो, और चांस देने में कोई बुराई नहीं होती। मैं एकदम चुप कि मम्मी ये क्या बोल रही हैं, तो अब आगे क्या होगा ये तो कल नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, और अभी तो हारू और मानवी के बारे में भी बहुत कुछ सुनना बाकी है कि जब हारू मानवी को बताएगी तो क्या क्या होगा। तो अब क्या क्या होगा ये तो कल के पार्ट में सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।